महाराष्ट्र में सरकार गठन को लेकर हलचलें तेज हैं। एक तरफ जहां राज्य में भाजपा और शिवसेना के बीच सरकार बनाने को लेकर एक राय नहीं बन पा रही, तो वहीं सोमवार को शिवसेना के कोटे से केंद्र सरकार में भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम मंत्री का पदभार संभालने वाले अरविंद सावंत ने पद से इस्तीफा देने का ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा कि मैं अपने मंत्री पद से इस्तीफा दे रहा हूँ। दरअसल एनसीपी ने सरकार बनाने को लेकर बातचीत से पहले शिवसेना को एनडीए छोड़ने की चुनौती दी थी, तो वहीं भाजपा और शिवसेना के नियत समय के अंदर सरकार न बनाने के बाद राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने भी सबसे बड़ी पार्टी होने की वजह से भाजपा को सरकार बनाने का न्योता दिया। हालांकि भाजपा ने रविवार को राज्यपाल से मुलाकात कर सरकार बनाने से इनकार कर दिया, जिसके बाद राज्यपाल ने दूसरा सबसे बड़ा दल होने के नाते शिवसेना को सरकार बनाने का निमंत्रण दिया और अब शिवसेना के विधायकों की बैठकों का दौर शुरू हो गया है। माना जा रहा है कि राज्य में सरकार गठन के लिए सोमवार का दिन अहम हो सकता है। सोमवार को एनसीपी, कांग्रेस और भाजपा की भी बैठक है। तो चलिए एक नजर डालते हैं सोमवार को शिवसेना समेत सभी पार्टियों के अंदर कैसी सुगबुगाहट है। शिवसेना को राज्यपाल कोश्यारी को सोमवार को ही जवाब देना है, तो बताया जा रहा है कि उद्धव ठाकरे की अध्यक्षता में बैठक संभावित है। वहीं भाजपा भले ही चुनाव नतीजों में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी, लेकिन राज्यपाल के सरकार बनाने के न्योते को भाजपा ने इनकार कर दिया। हालांकि खबर है कि सोमवार को देवेंद्र फडणवीस के घर एक बार फिर भाजपा कोर ग्रुप की बैठक है। वहीं इसमें कोई दो राय नहीं कि महाराष्ट्र में सरकार बनाने के लिए एनसीपी एक अहम कड़ी बनकर उभरी है। सोमवार को एनसीपी कोर कमेटी की भी बैठक है। ये बैठक ऐसे समय में हो रही है जब एनसीपी ने शिवसेना के सामने शर्त रखी थी कि अगर वो भाजपा का साथ छोड़ती है तो सरकार बनाने पर वो विचार करेगी। और अब आखिर में बात कांग्रेस की, तो महाराष्ट्र में सरकार बनाने की पार्टी की इच्छा आज भी है। यही वजह है कि फैसला अभी तक हाईकमान के हाथ में है और सोमवार को कांग्रेस वर्किंग कमेटी की भी एक अहम बैठक है। बहरहाल भाजपा का राज्यपाल कोश्यारी के भेजे सरकार बनाने के न्योते को इनकार करने के बाद सरकार बनाने की जोड़ तोड़ अगली पार्टियों में जारी है और इस बीच अटकलें ये भी हैं कि शिवसेना कांग्रेस और एनसीपी के साथ मिलकर राज्य में सरकार बना सकती है, लेकिन फाइनल तस्वीर अभी आना बाकी है। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।